तो खूंटी एरिया का इस बिरसा मृग विहार में आपका स्वागत है। अभी दिखाते हैं कि इस मृग विहार में क्या क्या चीज़ है, तो हमारे साथ आगे बने रहिए देखने के लिए। ऊपर चढ़ चुके हम लोग, यहाँ ब्रिज बना हुआ था, इस ब्रिज में चढ़े। अब आगे हिरण ढूंढने जाते हैं, हमारे डियर को ढूंढने जाते हैं, डियर कहाँ है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ जो घास लगा हुआ है ये सभी घास हिरणों के लिए चारा बनाने के लिए काम आता है। यह हिरण के लिए स्पेशल लगाया हुआ है कि यहाँ से कट करके उसे खाना दे सके, उसके लिए खाने के लिए दिया जा सके, इसलिए लगाया गया है अंदर में ही। फिर इधर भी देख रहे हैं, इधर हरियाली है। बरसात का समय इसलिए ज़्यादा हरियाली होता है क्योंकि यहाँ पानी मिलता है बरसात में, और गर्मी में पानी भी नहीं मिल पाता है, पूरा पौधा सब सूख जाता है क्योंकि हम गर्मी में भी आ चुके हैं ना। तो देख रहे हैं इधर रेत जमा हो गया है, और वहाँ जो है हमारे जो मृग विहार के जो मृग है, हिरण है, उनका पाँव का निशान यहाँ बन चुका है जो बालू में आप देख रहे हैं। ये बालू पानी का बहाव से बना है, और यहाँ पे सोचिए कि यहाँ देखने के लिए लोग आते हैं तो वो साइड साइड तक भी आते हैं, यहाँ उसका पाँव का निशान बना हुआ है। तो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि वो जाली जो है जाली के किनारे किनारे पे आते हैं, और लोग जब आते हैं तो अगर उसको आप हरा घास देते हैं तो वो भी नज़दीक आ जाते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आराम करने के लिए भी यहाँ कुर्सी बना हुआ है, जो आप बीच बीच में थक जाते हैं तो उसके लिए आप यहाँ आराम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे रणवीर बाबू आराम कर रहे हैं, इसी तरह आप लोग भी थकेंगे तो आराम कर सकते हैं। ये जो हरियाली देख रहे हैं, हरा हरा घास, ये सब घास ये हिरण के लिए काट के दिया जाता है यहाँ पर दोस्तों। तो हिरण दिख चुका है, अभी हम दिखाते हैं आप लोगों को। ये बहुत सारा हिरण दिखा है सामने में, जो कि अभी इधर दिखा है, इधर जो दिख रहा है उधर, अभी हम नज़दीक से बैक कैमरा से दिखाते हैं आप लोगों को। जी हाँ दोस्तों, ये जो देख रहे हैं दूर से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जूम करते हैं तो ये दिख रहा है हिरण सब। ये सभी यहाँ पर एक झुंड बना करके खड़े हैं, और नज़दीक तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी समय हो चुका है अपना अपना इन लोग का घर जाने का, क्योंकि काफ़ी शाम हो चुका है, हम लोग का यहाँ निकलने का समय हो चुका है, लगभग 5 बज रहा है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये हिरण है, ये इस प्रकार से यहाँ हरा पत्ता देने से सामने आता है। अभी दिए थे कुछ देर पहले, इसको और अभी देते हैं, देखिए कैसा खाता है ये। ले मृग डियर, ले ले इधर 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 इधर, अभी खाने में मग्न है, इससे अभी थोड़ा सा और दिए थे ना, ये अभी घास को पकड़ लेगा, देख रहे हैं प्रकार से आप का तो खा लेता है, बाकी तो नहीं आया, ले सबको पकड़। तो दोस्तों देखिए आप लोग किस प्रकार से वो घास देने से आता है, तो आप लोग भी आइए आनंद लीजिए इस मृग विहार में। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ ऊपर में भी आप चढ़ के मृग विहार का नज़ारा देख सकते हैं।
ऐसा बना हुआ है जगह जगह पे। ये दोस्तों अभी और एक दिखा नज़दीक में, ये दोस्तों बारिश होगा तो यहाँ आप बच भी सकते हैं, आप बैठ सकते हैं। ये कूड़ादान बना हुआ है, यहाँ आप कूड़ा डालने के लिए जगह बनाया हुआ है, यहाँ आप कूड़ा डालें और इधर उधर गंदगी ना करें, क्योंकि ये साफ़ सुथरा जगह लग रहा है। पत्ता के अलावा यहाँ एक भी कचरा दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दूसरों तक भी शेयर करें, जिससे कि मेरा वीडियो भी अगला तक पहुंच सके। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और अगला वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक आपके साथ हम बने रहेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, फिर से जोहार, जय झारखंड।